हेलो एंड वेलकम। ये हमारा पहला सेशन है बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का। ये बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ वो हैं कि जो एक प्रो ट्रेडर डेली बेसिस में यूज़ करता है। इसे जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ मैं आज बताने वाला हूँ, हम जो भी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये सारी स्ट्रेटजीज़ एक प्रो ट्रेडर डेली बेसिस पर यूज़ करता है। और ये एकदम बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जिसे एक बिगनर्स को पता होना चाहिए। ओके, तो आज जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। क्या सीखने वाले हैं हम इस सेशन में? इस सेशन में हम जानेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होती है, कब हमें बुल कॉल स्प्रेड को बनाना चाहिए, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस होता है बुल कॉल स्प्रेड को बनाने के लिए, ब्रेक इवन को कैसे फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, और पे ऑफ एनालिसिस कि कितना मार्केट जाने पर कितना हमको प्रॉफिट होगा और कितना मार्केट गिरने पर कितना हमको लॉस होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज बुल कॉल स्प्रेड? बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है? बुल कॉल स्प्रेड एक स्ट्रेटजी है जो हमें लिमिटेड प्रॉफिट देती है, और साथ ही साथ जो हमारा लॉस रहता है वो भी हमेशा लिमिटेड ही रहता है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा एटीएम है या आईटीएम, इन द मनी या एट द मनी, उसकी हम कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, और उसके साथ में हम जो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, उसको हम इसमें सेल करते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जब भी हम बाय करते हैं तो हम कुछ प्रीमियम देते हैं, ठीक है, और जब हम सेल करते हैं तो हमको कुछ प्रीमियम रिसीव होती है। ओके, तो जो वो नेट प्रीमियम रहता है वो रहता है हमारा मैक्सिमम लॉस। ठीक है, इसका एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है इस स्ट्रेटजी का कि इसमें हमको पहले से पता रहता है कि हमारा रिस्क कितना है और हमारा रिवॉर्ड कितना है। ओके, तो वेन शुड बी क्रिएट बुल कॉल स्प्रेड? बुल कॉल स्प्रेड को कब बनाना चाहिए? जब हमको लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, हमको ये एकदम पक्का है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हम उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देख रहे हैं, मार्केट की अपसाइड है लेकिन बहुत तेज़ अपसाइड नहीं है कि मार्केट एकदम 300, 400, 500, 600% ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब अपसाइड है लेकिन एक लिमिटेड मॉडरेट अपसाइड है। ओके, इस स्ट्रेटजी में हमारा जो व्यू होता है वो बुलिश होता है, हमारा जो रिस्क होता है वो कम होता है। ठीक है, बुल कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी इज एम्प्लॉयड व्हेन वन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विल गो अप मॉडरेटली, ठीक है, इन नियर टर्म। मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। सपोज करिए निफ्टी अभी 17,200 चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये 17,500 तक जा सकता है और वहाँ जाके रुक जाएगा, तब इस कंडीशन में आप जो है ये बुल कॉल स्प्रेड को यूज़ करेंगे। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस एंड ब्रेक इवन, यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन दी हुई है लेकिन डेफिनेशन से आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि किस तरह से आप जो है इसमें अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने ये एक एग्जांपल लिया है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस और साथ ही साथ अपना ब्रेक इवन है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है? इसमें होता ये है कि हम एक स्ट्राइक को बाई करते हैं और उसके ऊपर वाले स्ट्राइक को जो है सेल करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए, फॉर एग्जांपल है ये, आपने 17,650 को बाय किया, इसकी हम एवरेज प्राइस ले लेते हैं 63। ओके, और आपने उसके साथ में 17,750 को सेल किया, ओके, जिसका एवरेज प्राइस हम ले लेते हैं 33।
ओके। तो हमने क्या किया, अब एक बुल को कॉल स्प्रेड बनाया जिसमें हमने 17,650 की कॉल ऑप्शन को बाई किया और उसके साथ में 17,750 की कॉल ऑप्शन को जो है वो सेल किया। अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है अपना मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस और साथ ही साथ ब्रेक इवन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 17,650 की कॉल ऑप्शन को जो है बाई किया है और 17,750 की कॉल ऑप्शन को सेल किया है। तो हम क्या करेंगे, 17,750 की कॉल ऑप्शन में से 17,650 को सेल करेंगे। तो ये हमारा स्ट्राइक डिफरेंस कितना आ गया, 100 रुपये। 100 जो है वो हमारा जो है स्ट्राइक का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम स्ट्राइक डिफरेंस को लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने कितने रुपए से बाई किया है, 63 रुपीज से बाई किया है, 63 पॉइंट का इसमें बाई किया है। उसके साथ सेल कितने में किया है, 33 का, ठीक है। तो ये दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे, 63 माइनस 33, तो कितना बचेगा हमारे पास, 30, ओके। तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो स्ट्राइक डिफरेंस जो है 100 का, उसमें से हमको इसको माइनस कर देना है, ठीक है। 100 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 70। तो जो है हमारा 70 पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब इसको आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है आपका अमाउंट आ जाएगा। लॉट साइज है निफ्टी का 50, तो हम इसको 70 × 50 कर देंगे तो 3500 जो है ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। अब इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, ठीक है। जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा वो जितने का हमने बाई किया है और जितने का हमने सेल किया है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने 63 से बाई किया है और कितने से सेल किया है, 33 से सेल किया है। तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो कितना हो जाएगा इसमें, 3030, ओके। तो 30 हो गया, तो 30 × 50 करेंगे तो जो है हमारा 1500 का हमारा इसमें जो है मैक्सिमम लॉस है, ओके। तो एक चीज़ और इसमें देखने वाली है कि ये जो हमारा मैक्सिमम लॉस है और ये जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, 5000, ओके। वो 5000 कितना है, ये दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस, ये दोनों स्ट्राइक का डिफरेंस कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का। तो 100 में जब हम 50 से इंटू करते हैं तो हमारा कितना आता है, 5000। तो जब भी आप अपना मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हमेशा मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट को प्लस करिए, उन दोनों का जो भी आता है वो आपका ये डिफरेंस होना चाहिए, टोटल दोनों का जो टोटल रहेगा हमेशा ये डिफरेंस जो है इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अब तो हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन कहाँ पर है, किस पॉइंट के बाद जो है हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा, कि मतलब इस वैल्यू के ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो हमें जो है प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, ओके। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी हमें क्या करना है, हमने जितने से बाई किया है और जितने से सेल किया है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। हम इसमें क्या करेंगे, 63 माइनस 33, तो कितना आता है हमारा, 30, ठीक है। जो ये 30 आया उसको जो है हम अपनी लोअर स्ट्राइक में ऐड कर देंगे। हमारी लोअर स्ट्राइक कितनी है, 17650, 17650 में हम 30 पॉइंट और ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 17680। अब अगर जो है निफ्टी 17680 के ऊपर रहता है तो हम हमेशा इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट में ही रहेंगे, ओके। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि जब हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कैसा उसमें प्रॉफिट लॉस आता है और उसका जो है ब्रेक इवन एनालिसिस और साथ में पे ऑफ एनालिसिस करके देखेंगे, ओके। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या किया है, 17500 का जो है कॉल ऑप्शन को बाई किया है जो 132 33 रुपीज़ चल रहा है
और 17,600 का कॉल ऑप्शन है, इसको हमने सेल किया है, जिसका प्राइस हमने राउंड फिगर में 83 रख लिया है। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस एंड ब्रेक इवन। ठीक है, अभी हमने इसको देखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे पूरा रिटर्न में। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक्स माइनस प्रीमियम डिफरेंस इनटू लॉट साइज। ओके, तो हमने क्या किया है, 17,600 में से 17,500 को माइनस किया, फिर हमारा जो बाई था वो कितने से है, 17,500 रुपीज से, उसमें से हमने कितना माइनस किया, जो 17,600 है जिसको हमने सेल किया है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारा, 50। ठीक है, तो 100 माइनस 50 इंटू 50, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500। तो ये जो है हमारा ही है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं बुल कॉल स्प्रेड में? मैक्सिमम लॉस होता है जो हमारा, वो कितना होता है, डिफरेंस बिटवीन टू प्रीमियम। ठीक है, तो जो दोनों प्रीमियम कितने की हमारी, एक है 133 की और दूसरी है 83 की, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 50। तो 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम लॉस। ठीक है, अब ब्रेक इवन कैसे था, लोअर कॉल स्ट्राइक में जो प्रीमियम का डिफरेंस है उनको जो है ऐड कर देना है। तो लोअर स्ट्राइक कितनी हमारी यहाँ पर, 17,500, उसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, प्रीमियम का डिफरेंस, दोनों की प्रीमियम का डिफरेंस, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, 133 माइनस 83 कर रहे हैं, तो 17,500 में हम प्लस कर देंगे कितना, 50। तो 17,550 जो है हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हमारी पोजीशन जो है हमको प्रॉफिट देगी, इसके नीचे अगर एक रुपये भी जाता है तो ये पोजीशन जो है हमको लॉस देगी। ओके, और 17,550 पर अगर रह जाता है तो ये ना हमको प्रॉफिट देगा ना हमको लॉस देगा, हमारा सब ज़ीरो ज़ीरो रहेगा। ओके, तो अब इसका हम पे ऑफ एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, कैसे किस पॉइंट पर जाने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा और कैसे हमको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है, कौन सी स्ट्राइक हो, 17,500 की स्ट्राइक को, और कितने रुपए से बाय किया है, कितनी प्रीमियम से, 133 रुपीज से, कितने लॉट, एक लॉट। साथ ही साथ हमने एक कॉल ऑप्शन को सेल किया है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 17,600, जिसकी प्रीमियम है 83 और नंबर ऑफ लॉट्स इसके भी हैं 1। ठीक है, अब सपोज करिए जो निफ्टी है वो एक्सपायरी के दिन 17,550 पर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, 17,550 पर एक्सपायर हो जाएगा तो हमको किसकी कितनी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया था कितने से, 133 की प्रीमियम से, अभी ये कितने पे क्लोज हो गया है, 17,550 पर, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू जो है हमारी रह जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, 17,550 में से इसको जो है माइनस कर देंगे 17,500 को, तो हमारे पास कितना बचेगा, 50। तो ये जो कॉल ऑप्शन जिसको हमने 133 रुपीज से बाय किया था वो कितना रह जाएगा, 50। ठीक है, 50 रह जाएगा, तो मतलब हमने 133 से बाय किया और ये 50 रह गया, तो इसका क्या मतलब है, ये हमको दे रहा है लॉस, कितना लॉस दे रहा है, 133 में से माइनस करेंगे तो पता चला हमको ये 83 पॉइंट्स का जो है हमें लॉस दे रहा है। ओके, अब जो हमने 17,600 की कॉल को जो है वो सेल किया था कितने रुपए से, 83 रुपीज से, लेकिन क्लोज कितना हुआ निफ्टी, 17,550, और हम सब जानते हैं कि जो भी ओटीएम होता है एक्सपायरी के दिन वो सब क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैसे ज़ीरो हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ 17,550 में 17,500 को माइनस किया, वैसे ही हम यहाँ पर इसको भी माइनस करेंगे, 17,550 से हम माइनस कर देंगे 17,600,
तो ये क्या आ जाएगा माइनस 50। तो माइनस में तो पैसे होते नहीं हैं, तो कोई भी चीज़ अगर माइनस में है तो कितनी हो जाती है ज़ीरो। तो जो 83 की प्रीमियम है ये कितनी हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसको सेल किया है, सेल किया है तो इसका मतलब क्या हुआ 83 पे सेल किया था और करंट वैल्यू ज़ीरो है, तो हमको इसमें कितना पॉइंट्स मिल गया, पूरा 83 पॉइंट्स का इसमें हमको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो हुआ क्या, जो हमने कॉल बाय किया था उसमें हमको 83 पॉइंट्स का जो है लॉस हो गया, और जो हमने कॉल को सेल किया था उसमें हमको 83 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया ज़ीरो। ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अब सपोज करिए मार्केट जो है 17600 पे बंद हो जाता, ठीक है, 17600 पे बंद होगा तो 17500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से हम कैलकुलेट करते हैं 17 क्या कहाँ पे बंद हुआ है मार्केट 17600, तो 17600 में से हम जो है 17500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा ये 100। तो ये जो 133 प्रीमियम है ये कितनी हो जाएगी कम होके 100, तो हमको इसमें अभी भी लॉस हो रहा है। एक्सपायरी के दिन 17500 की जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितनी रह गई 100 रुपये, जिसको हमने कितने से लिया था 133 से, तो हमारा अभी भी कितना लॉस है इसमें 33 पॉइंट्स का इसमें हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब 17600 की कॉल इसको जो है ये किसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो हम इसमें माइनस कर देंगे 17600 में से 17600, क्योंकि 17600 में मार्केट बंद हुआ है, तो कितना हो गया 00। तो इसकी प्रीमियम फिर से कितनी रहेगी ज़ीरो रहेगी, 83 पे सेल किया और वो ज़ीरो हो गया, मतलब हमको पूरे 83 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो जब हम 83 में 33 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 50, तो 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2500, तो हमको इसमें 2500 का प्रॉफिट होगा। ओके, अब सपोज करिए मार्केट जो है 17700 पे बंद हो जाता, ठीक है, 17700 पे बंद हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 जो 500 का कॉल ऑप्शन जिसको हमने बाय किया है, तो वो हो जाएगा 17700 माइनस 17500, 200 रुपये हो जाएगा इसका प्रीमियम, 200 प्रीमियम हो जाएगा, हमने कितने से बाय किया था 133 से, इसका 200 हो गया तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हम क्या करेंगे 200 में से 133 को जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना 67 रुपीज़ का हमको इसमें 67 की प्रीमियम का हमको इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो 67 ये है। ठीक, अब 17600 की कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, कितने पे बंद हुआ 17700 पे, तो फिर से इसमें भी वही करेंगे 17700 माइनस 17600 कितना होता है बचता है इसमें 100। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया था 83 पर सेल किया था और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, तो 100 में से अगर 83 को माइनस कर देते हैं तो बचता है 17। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ को 83 पे सेल किया और उसकी वैल्यू 100 हो गई, मतलब आपको यहाँ पर 17 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 17 रुपीज़ का जब आपको लॉस हो जाएगा इसमें, तो 67 में जब हम 17 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू फिर से आती है 50, तो 50 × 50 2500। ठीक है, ये पे ऑफ एनालिसिस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, यहाँ पे तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, पोजीशन बनाने के साथ में ही आपके दिमाग में सब आ जाना चाहिए कि इसकी प्रीमियम अब इतनी होगी, यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन होगा, ये सब सिर्फ आपको ऑप्शन चेन का जो डाटा है उसको देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दो स्ट्राइक को मैं सेलेक्ट करूँ जिसमें मेरा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम निकल के आए और जो मेरा लॉस है वो मिनिमम हो। ठीक है, इनिशियली आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बाद में ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, ऐसे लिख के नहीं बैठना है इसको, ये सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, इसलिए आप पे ऑफ एनालिसिस बनाएंगे, हर बार बनाएंगे जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करिए जो हमारा निफ्टी है वो 17450 पे एक्सपायर हो जाता, ठीक है, तो जब 17450 पे एक्सपायर हो गया इसका क्या मतलब हुआ 17500 और 17600 दोनों ओटीएम हो गए,
ओटीएम में शॉर्टकट सबको पता ही है कि भाई ओटीएम हो गए तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो कैसे हो जाएंगे वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे हो जाएंगे ज़ीरो? 17,450 में से 17,500 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -50। 17,450 में से जब हम 17,600 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? -150। तो माइनस में तो पैसे होते नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर जब भी माइनस जाता है तो वो क्या कहलाता है? ज़ीरो। तो ओटीएम जो है हमारे दोनों ज़ीरो हो गए, मतलब इसको हमने 133 से सेल किया था, ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो हमको इसमें पूरा 133 का लॉस हुआ क्योंकि हमने इसको बाय कर रखा था। कोई भी चीज़ आप 133 रुपये से ख़रीदेंगे और उसका भाव ज़ीरो हो जाएगा तो आपको तो लॉस होगा ना उसमें। फिर दूसरा क्या था, आपने 83 से सेल किया था, अब उसके तो उसमें क्या होगा उस केस में? वो भी ज़ीरो हो गया, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा 83 पॉइंट्स का आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो 133 में से जब हम 83 को माइनस करते हैं तो हमारा जो है वो 2,500 आता है, 2,500 का हमको यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से पे ऑफ एनालिसिस करते हैं बुल कॉल स्प्रेड का। समरी, तो हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको हमने आज पढ़ा? जिसको हमने पढ़ा उस स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड। इसमें हम क्या करते हैं, एटीएम और आईटीएम की कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, पर आजकल आप ओटीएम भी बाय कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एटीएम या आईटीएम ही बाय करना है। अगर आपको लगता है मार्केट में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी है, जितना आप सोच रहे हैं थोड़ा उससे ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो आप ओटीएम को बाय करके और उसके ऊपर का जो ओटीएम है उसको सेल कर सकते हैं। इसमें जो है आपका रिस्क कम रहेगा और आपका रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा रिवॉर्ड, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें जो है कम हो जाती है। ठीक है, एटीएम और आईटीएम में हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, और अगर आप ओटीएम और ओटीएम करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहेगी प्रॉफिट होने की। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें एटीएम और आईटीएम की कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं, एटीएम और आईटीएम की कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं। सेल क्या करते हैं, ओटीएम की कॉल ऑप्शन को ही सेल करते हैं। अंडरलाइंग सेम रहेगी, अंडरलाइंग जैसे निफ्टी, ठीक है, या बैंक निफ्टी, या एसबीआई, तो अंडरलाइन क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। ठीक है, एक्सपायरी दोनों की सेम एक्सपायरी होनी चाहिए, जिसको आप बाय और सेल कर रहे हैं अलग अलग एक्सपायरी के नहीं करें, नहीं तो कैलेंडर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड में दोनों की एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी भी आपकी इसमें सेम होनी चाहिए। अगर आप इसका एक लॉट बाय कर रहे हैं तो इसका एक लॉट ही सेल करना है, तब ये बुल कॉल स्प्रेड कहलाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसका दो लॉट बाय कर लेते हैं, एक लॉट सेल कर लेते हैं, तो ये बुल कॉल स्प्रेड नहीं कहलाएगा। ठीक, और व्यू क्या होता है हमारा इसमें, इस स्ट्रेटजी में होता है हमारा व्यू बुलिश। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।